तो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है हम सबके लिए। जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं स्टॉक फंड को लेके, सुपर स्टॉक्स को लेके, सभी प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो आज इस वीडियो के अंदर हमें मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टॉक पॉइंट लेना चाहिए, सुपर स्टॉकिस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसे दिलवा सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में इन सभी क्वेरीज को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेंद्र सिंह कीवा काइपन इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना की तरफ से आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि सुपर स्टॉकिस लेने से क्या बिजनेस कम होता है, ज्यादा होता है, या कैसे हम इसको ले सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, आइए चलते हैं देखते हैं। सुपर स्टॉकिस, पहले तो ये सुपर स्टॉकिस होता क्या है इसको बिल्कुल क्लियर कट समझेंगे, आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक टीम है या आप किसी एक लीडर को खड़ा करना चाहते हैं, किसी पर्सन को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं, तो उसको सुपर स्टॉकिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां पे आप सुपर स्टॉकिस को ओपन करवा सकते हैं। किसी के पास फंडिंग है, वो बिजनेस बड़ा करना चाहता है, यानी कि वो अपने आप को ग्रोथ पे लेके आना चाहता है, या किसी के अगर मन में है कि मैं एक बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ, अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सुपर स्टॉकिस एक अहम रोल प्ले कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, सुपर स्टॉकिस ये बेसिकली क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन से एक बात समझें, यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी एक बड़ी दुकान या बड़ा शोरूम अगर हम इसको मान के चलें, जहां पे कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में उसने स्टोर किए हुए हैं, यानी कि 5 लाख से 10 लाख से जो सुपर स्टॉकिस हैं वो आप ओपन कर सकते हैं। अब अगर आप यहां पे मान लीजिए 5 लाख रुपए से सुपर स्टॉकिस ओपन करते हैं, तो बाय वन गेट वन आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मिल रहा है, यानी कि अगर आप रिटेल में चलते हैं तो 10 लाख से ज्यादा का जो प्रोडक्ट है एमआरपी के ऊपर वो आपको मिल जाता है। और सुपर स्टॉकिस की सबसे खास बात यह है कि 20-25% का जो मार्जिन है वो उनके पास रहता है, यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए की सेल करते हैं एक महीने में, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के अंदर, और अगर आपके पास एक बहुत अच्छी टीम है तो ये हमेशा इसके ऊपर रहती है, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका यहां से निकल आता है, जो बोनस वगैरह बाकी चीजें जो है। और रिटेल में जाते हैं फिर तो कहने ही क्या है कि इतना अच्छा जो बिजनेस है वो आपका बन सकता है। तो सुपर स्टॉकिस के जो बेनिफिट है वो बहुत अच्छे और बेहतरीन देखने के लिए मिलते हैं। और जितने भी सुपर स्टॉकिस हैं उनकी जो एक प्रॉब्लम आती है कि सर अगर प्रोडक्ट हमारा प्रॉपर तरीके से सेल नहीं हो रहा है, देखिए सिंपल सी चीज समझ लीजिए, जितने भी सुपर स्टॉकिस हैं कोशिश करेंगे कि अगर एक सुपर स्टॉकिस है तो वो 10 स्टॉक पॉइंट ओपन करवाएगा। अगर आपने 5 लाख रुपए का सुपर स्टॉकिस ओपन लिया है, ओपन करवाया है, तो आप 50-50 हजार वाले 10 स्टॉक पॉइंट ओपन करवाएंगे, ताकि हर महीने आपका जो माल है वो निकलता रहे, हर महीने की जो सेल है वो आपकी निकलती रहनी चाहिए। तो यहां से जो बेनिफिट है आपका जो सर्कल है वो घूमना शुरू हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम आती है सभी जगह पे, स्टॉक पॉइंट पे, सुपर स्टॉकिस पे, कि सर जो सेल है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, सर माल नहीं बिक रहा है, सभी प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, सर एक्सपायरी हो रहा है, ये सभी प्रॉब्लम आती है। तो इन सभी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, आपके स्टॉक पॉइंट पे, आपके सुपर स्टॉकिस पे मीटिंग नहीं होती है। हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, हम दुकान खोल के बैठ गए हैं, कोई आएगा और हमसे सामान खरीदेगा और वो जाएगा। नो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोशिश कीजिए जहां पे भी आपका सुपर स्टॉकिस है या स्टॉक पॉइंट है, वहां पे हर रोज मीटिंग होनी चाहिए, हर रोज नए लोग आने चाहिए। उसका बेनिफिट क्या होगा, आपकी ज्वाइनिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्वाइनिंग बढ़नी शुरू होगी, नए लोग आएंगे, आपकी परचेज होनी शुरू हो जाएगी, सेल होनी शुरू हो जाएगी, आपका रोटेशन घूमना शुरू हो जाएगा और एक्सपायरी निकलनी बंद हो जाएगी। अगर आपकी टीम में मान लीजिए 10 लोग हैं, तो उन 10 लोगों की हर रोज की ड्यूटी लगनी चाहिए। मंडे को इस लीडर का मीटिंग रहेगा मेरे स्टॉक पॉइंट पे या सुपर स्टॉकिस पे, ट्यूसडे को इस लीडर का, थर्सडे को इस लीडर का। और अगर टीम बड़ी है तो उनको घंटे वाइज हर घंटे का जो शेड्यूल है वो आपके पास होना चाहिए, या मॉर्निंग इवनिंग नाइट का शेड्यूल होना चाहिए। आज सुबह इस लीडर का सुबह के जो स्लॉट है वो आपको दिया गया है, दोपहर का स्लॉट आपके पास है, शाम का जो स्लॉट है वो आपके पास है। और अगर आपने ये सिस्टम फॉलो कर लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। और कौन कहता है कि सुपर स्टॉकिस से या स्टॉक पॉइंट से बिजनेस नहीं होता है या मीटिंग से हमें सेल नहीं मिलती है? नो माय डियर फ्रेंड,
अगर दिल से की गई कोशिश है तो वो ज़रूर कामयाब होती है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।